सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कंपैरिजन कर रहे हैं जहां एक तरफ है मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स जो लॉन्च होते के साथ ही टॉप 10 के लिस्ट में आ गई, और वहीं दूसरी तरफ है ह्यूंडई एक्स्ट्रा जो हाल ही में लॉन्च हुई। तो इन दोनों गाड़ियों को हम कंपेयर करेंगे और आपको हम बताएंगे कि कौन सी गाड़ी आपके लिए बेस्ट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम दोनों गाड़ियों के इंजन के बारे में बात करते हैं। तो दोनों गाड़ियों में आपको 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलती है। अगर हम एक्स्ट्रा की पावर की बात करते हैं तो इसमें आपको 81.80 bhp की पावर मिलती है। वहीं अगर हम फ्रॉन्क्स में पावर की बात करते हैं तो उसमें आपको 88.50 bhp की पावर मिलती है, जो कि 6.7 bhp पावर आपको ज़्यादा मिलती है फ्रॉन्क्स में। अगर हम टॉर्क की बात करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा में 113.8 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है, और फ्रॉन्क्स में आपको 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है, जो कि 0.8 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको एक्स्ट्रा में ज़्यादा मिलता है। और दोनों में अगर हम गियर बॉक्स की बात करते हैं तो दोनों में आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स मिलती है। वहीं अगर आप माइलेज की बात करते हैं तो एक्स्ट्रा में आपको मैनुअल में 19.4 kmpl की माइलेज मिलती है, वहीं आपको फ्रॉन्क्स में 21.79 kmpl की माइलेज मिलती है, जो कि 2.39 kmpl माइलेज आपको ज़्यादा मिलती है फ्रॉन्क्स में। AMT में आपको एक्स्ट्रा में 19.2 kmpl की माइलेज मिलती है, और AMT में आपको फ्रॉन्क्स में 22.89 kmpl की माइलेज मिलती है, जो कि 3.69 kmpl ज़्यादा माइलेज आपको फ्रॉन्क्स में मिलती है। वहीं अगर हम इसकी CNG वेरिएंट की बात करते हैं तो CNG में आपको एक्स्ट्रा में 27.11 किलोमीटर पर kg की आपको माइलेज मिलती है, और फ्रॉन्क्स में आपको 28.51 किलोमीटर पर kg की आपको माइलेज मिलती है, जो कि 1.4 किलोमीटर की ज़्यादा आपको माइलेज निकाल के देती है। तो चलिए अब दोनों गाड़ियों के हम डायमेंशन के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम अगर लेंथ की बात करते हैं तो एक्स्ट्रा में आपको 3815 mm की लेंथ मिलती है, और फ्रॉन्क्स में आपको 3995 mm की लेंथ मिलती है, जो कि 180 mm ज़्यादा आपको लेंथ जो है वो फ्रॉन्क्स में मिलती है। वहीं अगर हम वृत्त की बात करते हैं तो 1710 mm की वृत्त आपको एक्स्ट्रा में मिलती है, और 1765 mm की वृत्त जो आपको फ्रॉन्क्स में मिलती है, जबकि 55 mm ज़्यादा वृत्त जो आपको फ्रॉन्क्स में मिलती है। अगर हम हाइट की बात करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा में 1631 mm मिलती है, और फ्रॉन्क्स में आपको 1550 mm मिलती है। आपको एक्स्ट्रा में 81 mm की ज़्यादा हाइट मिलती है। अगर हम व्हील बेस की बात करते हैं तो एक्स्ट्रा में आपको 2450 mm की व्हील बेस मिलती है, और फ्रॉन्क्स में आपको 2520 mm की व्हील बेस मिलती है, जबकि 70 mm ज़्यादा आपको व्हील बेस जो है वो फ्रॉन्क्स में मिलती है। वहीं अगर हम बूट स्पेस की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको काफ़ी डिफरेंस नज़र आएगा। आपको एक्स्ट्रा में 391 लीटर का बूट स्पेस मिलती है, जबकि फ्रॉन्क्स में आपको 308 लीटर का बूट स्पेस मिलती है, जो कि 83 लीटर ज़्यादा आपको बूट स्पेस एक्स्ट्रा में मिलती है। वहीं अगर हम सीटिंग कैपेसिटी की बात करते हैं तो दोनों में आप 5 सीटिंग कैपेसिटी है। अगर हम ब्रेक सिस्टम की बात करते हैं तो दोनों गाड़ियों में आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक और रियर में ड्रम ब्रेक आती है। चलिए अब गाड़ी के हम उन सब फीचर्स के बारे में बात करेंगे जो कि केवल आपको फ्रॉन्क्स में मिलती है। फ्रॉन्क्स में मिलने वाली कुछ बेहतरीन फीचर: हेडअप डिस्प्ले, 360 पार्किंग कैमरा, ऑटो डाई RVM, 9-inch टच स्क्रीन, जबकि आपको एक्स्ट्रा में 8-inch का टच स्क्रीन मिलता है, फ्रंट हेडरेस्ट एडजस्टेबल, और इसमें आपको LED हेडलैम्प मिलती है। अगर हम दोनों गाड़ियों के फ्यूल टैंक की बात करते हैं तो दोनों गाड़ियों में आपको 37 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है। अगर हम CNG की बात करते हैं तो एक्स्ट्रा में आपको 60 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है, और फ्रॉन्क्स में आपको 55 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है। अगर हम टायर साइज़ की बात करते हैं तो एक्स्ट्रा में आपको 14-inch और 16-inch का टायर साइज़ मिलता है, और फ्रॉन्क्स में आपको 16-inch का मिलता है, चाहे फिर बेस मॉडल लीजिए या फिर टॉप मॉडल लीजिए। अगर हम ग्राउंड क्लियरेंस की बात करते हैं तो एक्स्ट्रा में आपको 185 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, वहीं फ्रॉन्क्स में आपको 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। तो 5 mm ग्राउंड क्लियरेंस आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा में मिलता है। तो चलिए अब हम उन सब फीचर्स के बारे में बात करते हैं जो कि केवल आपको ह्यूंडई एक्स्ट्रा में ही मिलती है। डुअल डैश कैम, टायर प्रेसिंग मॉनिटर सिस्टम, 8-inch का टच स्क्रीन विथ एलेक्सा एंड एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ सपोर्ट करती है, और साथ में इसमें आपको सनरूफ मिलती है जो कि ऑटोमेटिक वर्क करती है, और इसमें एक और फीचर है जो कि पैडल शिफ्टर। वहीं इस तो फ्रॉन्क्स में आपको दो इंजन ऑप्शन मिलता है, जैसे कि मैंने आपको 1.2 लीटर इंजन जो आपको मैंने कंपेयर करके दिखा दिया एक्स्ट्रा के साथ, तो इसमें आपको 1.0 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है, जो कि आपको 98.69 bhp की पावर निकाल कर देता है, और टॉर्क की बात करते हैं तो 147.6 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकाल कर देता है। वहीं अगर हम माइलेज की बात करते हैं तो आपको 21.5 kmpl की माइलेज आपको मैनुअल में निकाल कर देता है, और ऑटोमेटिक में आपको 20.01 kmpl के माइलेज निकाल कर ये आपको ऑटोमेटिक में देता है। तो चलिए अब हम दोनों गाड़ियों के सेफ्टी फीचर्स के बारे में बात करते हैं।
तो एक्स्टर में मिलने वाली सेफ्टी फीचर जैसे कि साइड एयरबैग, सीट बेल्ट वार्निंग, डोर अजार वार्निंग, साइड इंपैक्ट बीम, फ्रंट इंटेक बीम, टायर प्रेसिंग मॉनिटर सिस्टम, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, इंजन इमोबिलाइजर, सेंट्रल माउंटेड फ्यूल टैंक, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, स्पीड अलर्ट, स्पीड सेंसर एंड डोर लॉक एंड एक बेहतरीन फीचर है जो कि हिल असिस्ट, ये सब वो फीचर है जो कि आपको हुंडई एक्स्टर में मिलती है। तब हम उन फीचर के बारे में बात करेंगे जो कि आपको मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स में मिलती है। फ्रॉन्क्स में कुछ सबसे बेहतरीन सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं जैसे कि इमरजेंसी ब्रेक लाइट, ब्रेक असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल, पार्किंग असिस्ट, 360 पार्किंग कैमरा एंड हील होल्ड कंट्रोल। वहीं इसमें अगर कंफर्ट एंड कन्वीनियंस की बात करते हैं तो फ्रॉन्क्स में आपको कुछ बेहतरीन फीचर्स मिलते हैं जैसे कि ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रिमोट क्लाइमेट कंट्रोल एसी, स्टार्ट स्टॉप करने के लिए आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप करने के लिए आपको रिमोट मिलती है, लो फ्यूल वार्निंग, कप होल्डर फ्रंट में कप होल्डर, नेविगेशन सिस्टम मिलते हैं, फाइंड माय कार लोकेशन, वॉइस कमांड, एडजस्टेबल स्टेयरिंग, आप इसके स्टेयरिंग टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों तरफ से एडजस्ट कर सकते हैं, फॉलो मी हेडलैम्प। तो ये सब फीचर्स है जो कि आपको कम्फर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर है जो कि आपको फ्रॉन्क्स मिलती है। अब हम दोनों गाड़ियों के प्राइसिंग के बारे में बात करेंगे और वहाँ पर आपको बताएँ कि आपके लिए सबसे बेहतरीन कार कौन सी होगी। तो सबसे पहले हम एक्स्टर की प्राइसिंग की बात करते हैं तो इसका मैनुअल वेरिएंट की हम बात करते हैं तो इसका बेस मॉडल 6 लाख से स्टार्ट होता है और 9.42 लाख की जाती है। अगर एएमटी की बात करते हैं एक्स्टर की तो 7.97 लाख से लेकर 10.11 लाख की जाती है। वहीं अगर हम सीएनजी वेरिएंट की बात करते हैं एक्स्टर की तो 8.24 लाख से लेकर 8.97 लाख की प्राइसिंग करती है। वहीं अगर हम फ्रॉन्क्स की बात करते हैं मैनुअल में तो इसका बेस मॉडल 7.46 लाख से स्टार्ट होता है जो कि एक्स्टर के बेस मॉडल से काफ़ी हाई प्राइजिंग करती है और इसका मैनुअल में टॉप मॉडल 11.47 लाख की जाती है। अगर हम एएमटी की बात करते हैं तो 8.87 लाख से लेकर 9.27 लाख की प्राइजिंग करती है। जिसको अगर हम कंपेयर ऑटोमेटिक इसके एक्स्टर से करते हैं तो उसमें भी एक्स्टर जो है फ्रॉन्क्स जो है वो काफ़ी महंगी है एएमटी में। अगर हम सीएनजी की बात करते हैं तो एक्स्टर जो है 8.24 लाख से लेकर 8.97 लाख की प्राइजिंग करती है। वहीं सीएनजी में फ्रॉन्क्स 8.41 लाख से लेकर 9.27 लाख की प्राइजिंग करती है जो कि कुछ खास डिफरेंस नहीं है सीएनजी वेरिएंट में। तो वहीं अगर हम ये दोनों गाड़ियों को कंपेयर किए और अगर हम कंक्लूजन की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं सेफ्टी के मामले में हमेशा मारुति सुजुकी पीछे रहती है। एक्स्टर में आपको सेफ्टी फीचर्स के मामले में काफ़ी सारे बेहतरीन सेफ्टी फीचर्स मिले। हालांकि दोनों का भी कोई ग्लोबल एनकैप का कोई स्कोर नहीं आया तो सेफ्टी के हिसाब से तो हम उसको कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन कन्वर्ट एंड कन्वीनियंट फीचर्स के हिसाब से अगर देखेंगे तो फ्रॉन्क्स काफ़ी पीछे रह जाती है एक्स्टर में। एक्स्टर में आपको काफ़ी बेहतरीन फीचर्स मिलते हैं तो इस हिसाब से मुझे लगता है कहीं ना कहीं फ्रॉन्क्स आपके लिए सबसे बेहतरीन एक पैकेज है।